बॉडी बिल्डर्स तो आपने कई तरह के देखे होंगे, जिनमें कुछ मस्कुलर होते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा विशालकाय होते हैं। लेकिन जिन बॉडी बिल्डर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ऐसे बॉडी बिल्डर्स शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। नंबर 5, रोमियो। रोमियो का असली नाम आदित्य देव है। रोमियो दुनिया के सबसे छोटे बॉडी बिल्डर का नाम है। रोमियो इंडिया के जलंधर में पैदा हुए थे। रोमियो की बॉडी एक बीमारी की वजह से ऐसी थी जिसका नाम पेरिमोर्डियल ड्वार्फिज्म है। जिसको भी ये बीमारी होती है उसकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी रोमियो में बॉडी बिल्डिंग करने का जुनून था। उनकी हाइट सिर्फ 2 फीट 9 इंच थी और वजन सिर्फ 9 kg था। इनकी बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग से स्पेशल बेड तैयार किया गया था। लेकिन 2002 में उन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म नाम का एक अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। नंबर 4, शिपैक। शिपैक रशिया के एक बॉडी बिल्डर हैं। ये दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले बॉडी बिल्डर हैं। शिपैक ने उनकी बॉडी के ऊपर कई तरह के टैटूज बनवाए हुए हैं और उन्होंने कई तरह की सर्जरीज भी कराई हुई है। उन्होंने अपनी आंखों पर आई शेडो टैटू कराई हुई है। इनका लुक बिल्कुल वैम्पायर जैसा लगता है, जो कि उन्हें और भी अजीब बनाता है। नंबर 3, मैट केरोग्सेलेस्की। मैट केरोग्सेलेस्की नाम के इस बॉडी बिल्डर की बॉडी देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। इन्होंने कई प्रोफेशनल पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और वो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियन भी रह चुके हैं। और उन्होंने 2009 में सबसे ज्यादा वेट लेकर बेंच प्रेस लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसमें उन्होंने 335 kg से बेंच प्रेस लगाई थी। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा वेट लेकर डेड लिफ्ट लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, जिसमें उन्होंने 455 kg से डेड लिफ्टिंग की थी। लेकिन यार 2015 में उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया और वो अब एक फीमेल की लाइफ जी रहे हैं और उनका नाम जेनी मारी क्रुक्सालेस्की है। नंबर 2, मार्क स्मिथ। मार्क स्मिथ एक ब्रिटिश सोल्जर थे, लेकिन 2009 में अफगानिस्तान में एक ट्रेनिंग के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। एक दिन उन्होंने प्योर इलाइट टूर्नामेंट के बारे में न्यूज़ पढ़ी, जो कि डिसेबल एथलीट्स का कंपटीशन था, और इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद उनके अंदर एक मोटिवेशन जागा और उन्होंने जिम में एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। कुछ ही टाइम में उन्होंने बहुत अच्छी बॉडी बना ली और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कंपटीशन होने वाला था। मार्क बहुत एनर्जी के साथ स्टेज पर उतरे और कंपटीशन को जीता भी, और उन्हें जजेस और वहां पर बैठी ऑडियंस की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली। नंबर 1, निक स्कॉट। निक स्कॉट के बारे में जानने से पहले, अगर आपने अभी तक द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप मार्क की बॉडी देखकर हैरान हो, जिनका एक पैर नहीं था, तो आपको निक स्कॉट से मिलना चाहिए, जो दोनों पैरों से डिसेबल हैं। जब निक स्कॉट सिर्फ 16 साल के थे, तब उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें निक तो बच गए, लेकिन उनके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद से उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाना शुरू कर दिया और पावर लिफ्टिंग करना शुरू कर दी और बेंच प्रेस में कई कॉम्पिटिशन भी जीते, क्योंकि वो खुद एक व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर थे। तब उन्होंने ये महसूस किया कि व्हीलचेयर बॉडी बिल्डर्स के लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, उन्हें भी खुद को प्रूफ करने का एक मौका मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कई कोशिशें करके 2011 में IFBB प्रो व्हीलचेयर चैंपियनशिप शुरू करवा दी और इसी डिवीजन को उन्होंने 2016 में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कॉम्पिटिशन अर्नॉल्ड क्लासिक में भी शामिल करा दिया। निक स्कॉट की लाइफ पर एक मूवी भी बनी है, जिसको 2011 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था। निक की लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है
की सिचुएशन कैसी भी हो, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए और निक की लाइफ से ये सबक लेना चाहिए कि अगर दोनों पैरों से डिसेबल आदमी इतना कुछ अचीव कर सकता है तो हम तो बिल्कुल सही सलामत हैं, तो हम अपनी लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। और इन सभी बॉडी बिल्डर्स में से आपको कौन सा बॉडी बिल्डर सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।